हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायतुस चैनल। आज इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको गेट और ईएससी की प्रिपरेशन के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के और भी जो गोल्स होंगे फ्यूचर में उनको अचीव करने के लिए भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो कभी कभार लाइफ में क्या होता है, हम कुछ गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिनको हम सक्सेसफुली कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो अक्सर जो रीज़न होते हैं वो होते हैं कि हार्डवर्क नहीं कर पाए, या तो फिर डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, या तो फिर मोटिवेटेड नहीं थे इनफ। तो ऐसे ही कई रीजंस होते हैं, और अगर इन सारे रीजंस को देखा जाए तो मेजर जो रीज़न होता है इनका, जो कारण होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए, हार्डवर्क नहीं कर पाए, डिसिप्लिन में नहीं कर पाए काम को, तो जो मेजर रीज़न होता है वो होता है कि आपके पास उतनी एनर्जी नहीं थी। समझ रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आपके पास एक कार है, वो 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, तो अगर आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो 20 किलोमीटर ही जाएगी ना मैक्सिमम। आप उसको अगर 40 किलोमीटर ले आना चाहते हैं तो आपको 2 लीटर तेल डालना होगा ना। तो वैसे ही आपकी बॉडी भी है, किसी भी टास्क को कम्प्लीट करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप वो टास्क कम्प्लीट करेंगे कैसे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसी एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आप काबिल भी होंगे हार्डवर्क करने के लिए, और आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी भी आएगी। तो शुरू करते हैं अभी वीडियो। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने अंदर से तो एनर्जी बना नहीं सकते, खुद से तो बना नहीं सकते, हमको बाहर से ही एनर्जी लेनी होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग एनर्जी लेते कहाँ कहाँ से। तो एनर्जी हम लोग को फूड से, वाटर से, एयर से और सनलाइट से मिलती है। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर होता है वो होता है फूड। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग अच्छा फूड खाएँ, मतलब ये हेल्दी डाइट मेंटेन करें, जंक फूड अवॉइड करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब भी मैं जंक फूड खाता हूं, या तो पिज़्ज़ा या बर्गर, कुछ ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ हो, मैं खा लेता हूं तो मुझे बहुत ही टायर्ड फील होता है। मान लो किसी रात को अगर मैंने पिज़्ज़ा खा के अगर मैं सोया और तो सुबह उठा तो मुझे बहुत ही टायर्ड महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि हमको ऐसे जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी कम होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है। सेकेंड होता है एयर। देखिए, एयर तो वैसे हम लोग ब्रीथ कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन का इनटेक तो रेगुलरली हो ही रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप कभी कभार थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपको फैटीग आ जाता है, थोड़ा दिमाग फॉगी हो जाता है। तो अगर आप रेगुलरली थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, या तो कुछ डीप ब्रेथ्स बीच बीच में रेगुलरली लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन इनटेक लेने से आपको थोड़ा एनर्जेटिक महसूस होगा, वो आपको रिलैक्स करेगा, थोड़ा काम करेगा। ठीक है, तो आप रेगुलरली थोड़ा सा डेली बेसिस से 10-15 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो थर्ड होता है, जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड और इग्नोर्ड होता है, वो होता है वाटर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए होता है नॉर्मली, और जो लोग होते हैं वो इससे बहुत कम ही इनटेक करते हैं, या तो वाटर कंजम्पशन जो होता है बहुत कम होता है। ऐसा होता है कि हम लोग वाटर तभी लेते हैं या तो पानी तभी पीते हैं जब हमको प्यास लगती है। ठीक है, कभी कभार हमको क्या होता है कि पूरे दिन प्यास ही नहीं लगी तो हम लोग पूरे दिन पानी ही नहीं पीते हैं, किसी दिन 1 गिलास 2 गिलास में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है, हम लोग को कॉन्शियस रहना है कि हम लोग पानी पी रहे हैं। 3-4 घंटे पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं 3-4 घंटे से कुछ पिया ही नहीं पानी। तो अपने पास एक वाटर बॉटल रखिए, आप कोचिंग जाते हैं साथ में एक बॉटल रखिए, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हाइड्रेटेड रहने से आपकी थकान जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन लीड्स टू टायर्डनेस एंड वीकनेस, एंड ऑल्सो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मैनी इलनेस। तो डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो पहले तो आपके पास एनर्जी कम रहेगी, और दूसरा है कि आपको आपके सिक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सनलाइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मैं दिल्ली में कोचिंग करता था, यहाँ पर पहली बात जो रूम्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, जो पीजीज या तो फिर हॉस्टल रूम्स मिलते हैं, उसमें वेंटिलेशन नहीं होता, मतलब रूम में ना फ्रेश एयर आ रही है ना तो फिर सनलाइट आ रही है। और कोचिंग्स भी एसी हॉल्स में होता है तो वहाँ पर भी कोई फ्रेश एयर या सनलाइट नहीं रहती है, और बाहर भी जाना नहीं होता ज़्यादा। तो हमारी बॉडी को जो है फ्रेश
फ्रेश एयर और सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 10-15 मिनट थोड़ा बाहर निकल के छत पे चले जाइए, पार्क में चले जाइए, थोड़ा सा फ्रेश एयर और सनलाइट का इंटेक कर लीजिए, क्योंकि सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी भी बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि किन किन सोर्सेस से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इस जो एनर्जी हमने जो इन सोर्सेस से ली उसको हम लोग यूटिलाइज़ कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। जो ह्यूमन बॉडी होती है ये कई टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइंड होती है। ठीक है, तो ये जो टास्क हैं अपने आप तो हो नहीं आते हैं, तो हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी होती है, कुछ हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी है वो उन्हीं टास्क में यूज़ हो रही है जो हमें हमारी गोल की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे टास्क में ज़्यादा एनर्जी ना यूज़ हो जो जिससे हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और जो हमें हमारी गोल की तरफ भी नहीं ले जा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगा, ये बताऊँगा कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दें, अगर छोटी छोटी चीज़ों पर, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम दोनों सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं बहुत तेज़ वॉक करता था तो इससे मैं थकता भी था, और जब मैं तेज़ वॉक करता था तो मेरे थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे थॉट्स आते थे, मोस्टली नेगेटिव भी होते थे, तो इससे क्या होता था मैं टायर्ड भी होता था। तो फिर मैंने एक प्रैक्टिस डाली कि मैं आराम से चलूँगा, आराम से जब मैं वॉक करता था तो मेरे थॉट्स भी आराम से, मतलब धीरे धीरे आते थे और काफ़ी पॉजिटिव आते थे, तो इससे मुझे टायर्डनेस नहीं आती थी। तो मैंने ये प्रैक्टिस डाली कि मैं धीमे वॉक करूँगा। ठीक है, और कुछ लोग की इनहेरेंटली आदत ही होती है तेज़ वॉक करने की, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। सेकेंड होता है, मेरे साथ क्या होता था कि ज़्यादा बातें जब मैं करता था तो बातें करते हुए तो अच्छा लगता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हम लोग ग्रुप में दोस्त लोगों से कभी गौर फ़ोन पे बातें करते थे, तो बातें करते हुए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बातें ख़त्म हो जाती हैं फिर उसके बाद आपको टायर्डनेस महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने एनर्जी यूज़ करी है बातें करने में, चीज़ें सुनने में, फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है, आपको बातें बंद नहीं करनी है, आपको कोशिश करना है कि इतनी भी ना हो कि आप टायर्ड हो जाएं, लिमिटेड बातें करिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अपने जो डेली रूटीन में जो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आपको लगता है कि उनको अगर आप कंट्रोल वे में करेंगे या तो उनको आप मैनेज कर लेंगे, तो हो सकता है आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे आप थोड़ी बहुत एनर्जी आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्पेशली गेट और ESE की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ब्रेन यूज़ करना है। ठीक है, और ब्रेन जो होता है हमारा वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर एनर्जी यूज़ कर लेता है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी चाहिए कि आप ज़्यादातर पढ़ाई में यूज़ करें, लेकिन अगर आप ये एनर्जी मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, टीवी देखने में, या तो फिर वीडियोस देखने में, सोशल मीडिया पर रहने में यूज़ करेंगे, तो आपके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं पढ़ाई करने के लिए। और अगर आप कम एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं तो पहली बात तो आपको ठीक से समझ भी नहीं आएगा जो आप पढ़ लें, दूसरा आप और टायर्ड होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आप अपना दिमाग पढ़ाई में ही ज़्यादा यूज़ करें और इन सब एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप रेस्ट ना लें, लेकिन रेस्ट लेने का ये मतलब नहीं है कि आप लेट गए और मोबाइल देखने लगे, वो रेस्ट नहीं है फिर, वो फिर आप अपना ब्रेन यूज़ ही कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेस्ट करना है तो प्रॉपरली रेस्ट करिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आप अपना देख लें कि आप एनर्जी यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और सही तरह से चैनलाइज़ करें, ऐसी डायरेक्शन में चैनलाइज़ करें अपनी एनर्जी को ताकि आप अपने गोल के नज़दीक जाएं, तो आप ज़रूर हर टास्क परफॉर्म कर लेंगे और हर गोल जो आप चाहते हैं लाइफ में वो ज़रूर आप अचीव कर लेंगे। ठीक है।